हर वबाई अमराज के लिए भर्ती किए गए हैं। ये वो सेंट्री पेट्रोल है जिन्होंने कोरोना के पीक पीरियड में भी जब अपने महकमे से हुकूमत पंजाब का साथ दिया, मीजल की वबा जब फैली तो सेंट्री पेट्रोल ने अपनी खिदमात एज ए स्किल पर्सन सर अंजाम दी। इन सेंट्री पेट्रोल के साथ जब भी फील्ड में ऐसा कोई भी जब कोई रिफ्यूजल आता है तो ये सेंट्री पेट्रोल अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, रिफ्यूजल कवर करवाते हैं, मारे खाते हैं। महकमे सेहत हुकूमत पंजाब का साथ देते देते सेंट्री पेट्रोल 2012 से लेकर अब तक, पहले तो बात है कि वन स्केल पे पिस रहा है, ना तो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बना ना ही हमारा स्केल का मसला हल हुआ। एप्लीकेशन कब से पुटअप होती रही है, निचले लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, सेक्टरी लेवल तक जो है वो हमारे वर्कर्स ने एप्लीकेशन पुटअप की, लेकिन आज दिन तक किसी भी सीनियर ने इस मसले को सीरियस नहीं लिया। हमारा वर्कर मार भी खाता रहा, हमारे वर्कर ने पोलियो में अपने जाने भी दी, हमारा वर्कर डेंगू में भी मार खाता रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कभी भी हमारे वर्कर्स को वो अहमियत हासिल नहीं हुई जो कि हुकूमत पंजाब ने देनी थी। मैं मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा, ये आपके वालिद साहब ने ही पौधा लगाया था, जिस पौधे की अभ्यारी आज आपने करनी थी जो कि पसे कुछ डाली जा रही है। सेंट्री पेट्रोल हर वबाई मर्ज का मुकाबला करते हुए कितने ही चीजों को फोर्स फेस करते हैं। जो वाकया खेरी हस्ताबाद की डिस्पेंसरी में पेश आया जहां पे हमारे वर्कर पोलियो ड्यूटी पे गए हुए थे, पीछे से चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के बंदे आए और उन्होंने ताला तोड़ के अपना ताला लगाया। जब हमारे वर्कर वापिस आए तो वहां पे उन्होंने लॉक देखा, अंदर उनका सामान पड़ा हुआ था और बाहर उन्होंने डेंगू का और पोलियो का सामान बाहर फेंका हुआ था, जिसपे हमारे वर्कर ने कहा, जो हमारी बहन थी जिसको मारा गया, कि मेरे